नमस्कार। चलिए आज मेथी के लड्डू बनाएंगे। सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डी मजबूत रहता है और ठंड से भी बचाता है और कई ऐसी बीमारियों से ये मेथी बचाता है हमें। तो आज ठंडी के समय में हम मेथी के लड्डू बनाएंगे। बहुत बढ़िया और बहुत गर्म, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये मेथी को मैं पीस ले रही हूँ और पी बिल्कुल बारीक मैंने जार में इसको पीस लिया है। मेथी को एक कटोरा मैंने मेथी लिया था। अब इसमें मैं दूध डालूँगी, बिल्कुल भर के दूध डालूँगी। ये फूलेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेथी। तो ये छोटा का कटोरा हमें लग रहा है। अब हम बड़े कटोरे में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। छोटे कटोरों में फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए बिल चम्मच भी इसमें मतलब चिपक गया। इतना बढ़िया, इतना सुंदर मेथी फूल कर तैयार हुआ है। 3-4 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए अब लड्डू बनाने स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गोंद लिया है, बादाम लिया है, नारियल हाँ लिया है। तो इन चीज़ों से हम पहले लड्डू बनाएंगे। और आटा लिया है तो सबसे पहले मैं कढ़ाई चढ़ा ले रही हूँ। इसमें घी डाल दिया है मैंने इसे घी डाल दिया है 2 चम्मच, बड़ा चम्मच। और आटे गेहूं का मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और आटा को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए, खुशबू आने ना लगे आटे में से। तब तक हम आटे को भूनेंगे। और गैस को मैंने अभी हाई पे ही रखा है, बाद में हम मीडियम पे रख कर देंगे जिससे जले ना आटा हमारे। और लगातार हम चलाते रहेंगे। आटा मैंने भून कर देखिए मैं निकाल लिया। फिर मैं बड़ा चम्मच इसमें घी डाला है मैंने। एक कप तक मैं इसमें घी डाल दिया है। और इसमें मेथी मैंने पिसा हुआ मेथी इसमें डाल दे रही हूँ। इसको लगातार इस तरह से गैस को मैंने अभी हाई पे ही रखा है। उस समय लो कर दिया था जब आटा भून रही थी, तो अब मैंने हाई पे रखा है। और इस तरह से मैश कर कर के हम मेथी को भून ले रहे हैं अच्छी तरीके से, जिससे अच्छी तरीके से कच्चापन मेथी का निकल जाए और मेथी का खुशबू ना आए। तो इसी लिए हम मेथी को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। इतना भूनना है कि अलग अलग बिल्कुल हो जाए दानेदार। तो देखिए बिल्कुल दानेदार हो चुका है। गैस मैंने हाई पे ही रखा है, लगातार मैं चलाते जा रही थी जिसे जले ना। तो देखिए कितना सुंदर है, भून कर मेथी अलग अलग हो चुका है। देखिए अलग अलग हो चुका है, अभी भी हम चलाते जा रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग बारीक बारीक करना है जिससे मेथी की खुशबू भी अच्छा आएगा और मेथी की लड्डू भी बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब मैं फिर 4 चम्मच एक कप फिर मैंने घी डालकर गोंद को मैं भून ले रही हूँ। गैस को मैं अभी मीडियम पर कर दी हूँ क्योंकि घी हमारा ज़्यादा गर्म होगा तो गोंद जल जाएगा। तो गोंद देखिए फूट फूट कर छोटे वाले लिए हैं हम, मार्केट से परचेस किया था। अब गोंद को भी अच्छी तरह से भून लेंगे और बादाम को भी अब हम भून ले रहे हैं उसी घी में। बादाम है और नारियल है, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो ड्राई फ्रूट डाल के आप बना सकते हैं लड्डू। तो ये लड्डू मैं बनाऊंगी गुड़ में। आप चाहे तो चीनी में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर करके। बस उसमें चीनी को या तो पीस लीजिए या बाहर से आप परचेस कर लीजिए चीनी के भूरे मिलते हैं, या तो घर में ही मिक्सी में पीस कर लड्डू बना लीजिए। तो आज मैं गुड़ से लड़ू, तो इसमें मैंने घी डाल दिया है जो भुना हुआ बचा था घी, उसी में मैं गुड़ डाल दी हूँ। गुड़ मैंने इसमें आप कितना मीठा पसंद करते हैं कितना नहीं, आप उसी के अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। मैं अपने अनुसार से मैं डाली हूँ कि हमें कितना मीठा पसंद है कितना नहीं। तो ये देखिए पाग नहीं बनाना है, बस गुड़ को मेल्ट करना है। तो ये सारी चीज़ को मैं फून कर मैंने लिख रख लिया है मिक्सी में। ये देखिए मैं इसमें रखी हूँ जायफल, दालचीनी, इसको मैं कूट लिया था और इसमें मिक्सी में डाल के सारी चीज़ को हल्का दरदरा पीस ले रही हूँ मैं। और ये है इसको देखिए, इसको हम इस तरीके से गोंद को प्लेट में ही क्रश कर लेते हैं बेलन के सहारे। ये देखिए बेलन के सहारे से हम इसको दरदरा क्रश कर लेते हैं। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है। हड्डी में दर्द हो, जोड़ों में हो या ठंड लगी हो तो इसको आप खा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडा चीज़ ये जब खाते हैं लड्डू तो ठंडा चीज़ नहीं खाना है,
नहीं तो और जो बीमारी ठीक करने वाली वो बीमारी और उखाड़ कर रख देगा। इस वजह से आप ठंडी चीज़ यूज ना करें जब ये लड्डू खाएं तो। जिनको बच्चा हुआ है, बच्चा हो गया है, उनके लिए और ये फायदेमंद है। इसमें सौंठ वगैरह जो बच्चे में होता है तो खिलाया जाता है, वो भी अगर इसमें मसाला थोड़ा पीस कर अगर डाल के लड्डू बनाएंगे तो उनके चच्चा बच्चा के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद उनके लिए भी होगा। सबसे ज़्यादा तो उनके लिए भी फायदेमंद है। और बूढ़ बुजुर्ग जिसके पैर में दर्द हो, जो बूढ़े हो गए हैं, जिनको ठंड लगता है, उनके लिए भी ये सही है। बच्चों को भी खांसी जुकाम हो रहा है तो उनको भी बना कर आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये देखिए सारे चीज़ को मैं इसमें डाल दिया है। ड्राई फ्रूट वगैरह में पीस कर रखा तो वो भी डाल दिया है इसमें। मेथी भी डाल दिया आटा में, भुना हुआ मेथी। अब सभी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें गुड़ का जो मैंने पाक बनाया था, सिर्फ मैंने पाक चाशनी नहीं बस मेल्ट किया था मैंने, गुड़ का चाशनी नहीं बनाया मैंने। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करके अब लड्डू बनाएंगे। ये देखिए मसाला आई, अच्छी तरह से हम आटा और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से हाथों से मसल के। ये देखिए जो भी बचा था वो भी गुड़ डालें, क्योंकि मेथी है तो कड़वा लगे, थोड़ा मीठा ही होना चाहिए जिससे कड़वापन ना लगे। लेकिन आप ज़्यादा मीठापन नहीं पसंद करते तो कम डालिएगा, आप अपने अनुमान से डालिएगा कि आप कितना पसंद करते हैं मीठा पसंद, उसके अनुसार से आप डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम डाल के अब मिक्स कर ले रहे हैं हाथ से अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरीके से हम मेल्ट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया। घी तो इसमें पूछिए मत, घी इतना है सब पूछिए मत, घी डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इतना घी की मात्रा है इसमें। आप ज़्यादा पसंद करते हैं घी तो इसी के साथ और घी आप डाल सकते हैं। हम कम पसंद करते हैं, जितना भुना था उतना ही में हम यूज कर लिया है। अभी देखिए एक लड्डू मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए एक लड्डू, पहला लड्डू भगवान जी का।